अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सारे ठीक ठाक है ना? तो वेलकम करता हूँ मैं एक नए ब्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम और मौसम बड़ा ही जबरदस्त हो गया होगा। मैं जा रहा हूँ एक थोड़ी सी वॉक करने के लिए। मैंने कहा वॉक कर लूँ, आज मौसम बड़ा ही जबरदस्त हुआ, तो इतना जबरदस्त मौसम है तो वॉक कर ही लेनी चाहिए। तो मैं वॉक करते करते मैंने कहा चलो मैं कुछ कीमती से मशवरे दे दूँ यार, नमाज पढ़ा करो और मेरे लिए भी दुआ किया करो कि मैं भी नमाजी हो जाऊँ पक्का, और आप सब भी ना नमाजें पढ़ा करो। तो मैं वॉक करने के लिए निकला हूँ। वॉक करके ना मैंने सोचा था कि यार सुबह सुबह का टाइम है तो बंदा ना फ्रेश होता है, लेकिन ना मैं तो स्टिल मेरी नींद हुई कि वही है। मुझे ना लगता मुझे जाकर दोबारा से सोना ही पड़ना है, तो इसलिए ना मैं वॉक करके ना 15-20 मिनट तो वॉक करूँगा। वॉक करने के बाद फिर ना मैं जाकर सो जाऊँगा। इतनी गाड़ियाँ सारी यहाँ पर चल रही हैं ना, तो ये इतना शोर आ रहा है पीछे, पता नहीं आपको आवाज़ भी क्लियर आ रही होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे गाड़ियों का ना बहुत ज़्यादा शोर है इस टाइम। पता नहीं यार, हम सोए रहते हैं लेकिन ना लोग कोई नहीं सोते। लोग सुबह सुबह उठ के ये ट्रक और रक्शे चलाने शुरू कर देते हैं और इतना शोर मचा हुआ यहाँ पे, लग गया डर सुबह के 7 बजे होंगे। वॉक करते करते मैंने सोचा कि ना मैं यार नाश्ते ही कर लूँ, थोड़ा सा कुछ ना कुछ नाश्ता भी हो जाए यार। तो ना कुछ लाइट तो नहीं से कहा जा सकता, इतना हैवी भी नहीं होता ये नाश्ता, तो मैं आज करने लगा हूँ लस्सी पाने का नाश्ता। चल के आपको दिखाता हूँ। तो जी मैं पहुंच चुका हूँ लस्सी वाली शॉप पे। ये है जी लस्सी वाली शॉप, जहाँ से मैंने लस्सी पीनी थी यानी कि नाश्ता करना था। ये हमारी लस्सी और बन आ चुका है। लस्सी पे यार उसने मलाई कितनी डाली हुई है, चाह रहा कि मैं पतला ना हो सकूँ, कोलेस्ट्रॉल नहीं रहा, सारा मेरी लस्सी में डाल के दे दिया। जी नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं वापस जा रहा हूँ घर, क्योंकि मैं घर से काफ़ी दूर आ गया हुआ था। नाश्ता करते करते वॉक करते करते नाश्ता करते करते नहीं वॉक करते करते मैं काफ़ी दूर आ गया, फिर नाश्ता भी कर लिया मैंने सारा रास्ते में, और मैं वापस जा रहा हूँ। वैसे आपको पता है ना लाहौरी जो होते हैं ना, वो लस्सी बन के नाश्ते को ना बड़ा लाइट समझते हैं, वैसे बिल्कुल भी लाइट नहीं होता, बड़ा हैवी नाश्ता हो जाता है ये। तो अब मैं ना जा रहा हूँ वापस घर, तो जाकर ना मैं अब सोने लगाऊँ थोड़ी देर, क्योंकि ये इस टाइम ना मेरे से जागा नहीं जा रहा, और ऊपर से वैसे भी लस्सी पी लिया, लस्सी पीने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं जागा जाएगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ वापस घर और जाके ना मैं सोने लगाऊँ ना। यार सारा दिन ना बड़ा बिजी गुजरा, तो अब मैंने सोचा कि यार कहीं ना थोड़ा सा घूम फिर आए जाकर, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएंगे, सारा दिन के ना काम शाम काफी थे, तो इसलिए मैं ना जा रहा हूँ बाहर। तो जी मैं ना जा रहा हूँ अब जरा रास्ते में हूँ, क्योंकि मैंने निकले घर से, तो निकल के सोचा कि चलिए यार मिस्टर फ्लेवर पर ना फ्राइज खा लीजिए। तो यार मैं जा रहा हूँ हमारे करीबी जो सोसाइटी है ना, वहाँ से मिस्टर फ्लेवर है, तो वहाँ पे है मिस्टर फ्लेवर, वहाँ से कह रहा हूँ। तो जी ये देखिए हम पहुँच चुके हैं, मैं अभी ये बाइक से उतर के ना तो आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये है जी शॉप इनकी, तो यहाँ पे चल के देखते हैं अंदर हम इनका ना मेन्यू वगैरह क्या है। तो मेन्यू में ना ये चीज़ें हैं, ये देखें ये सारी चीज़ें हैं मेन्यू में। तो मैं ना यहाँ पर देखता हूँ कि हम ऑर्डर क्या करते हैं, पीछे कुछ नहीं लिखा हुआ। तो ये इनके फ्राइज़ जो है ना फ्राई हो, और ये बड़ी प्यारी सी ऑर्डर देने के बाद मैं यहाँ बैठ गया हूँ। यहाँ पे ना बैठने के बाद इंतज़ार कर रहे हैं कि जी हमारा ऑर्डर कब तक आता जी ऑर्डर देने के बाद। मैं आपको ना उतनी देर इनका थोड़ा सा रेस्टोरेंट दिखा देता हूँ। तो ये जी इनका रेस्टोरेंट, और ये बंदे बंदे बैठे हैं, रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन अच्छा है। तो ये देखिए मेरा सा मेरा जो कज़न आया हुआ था, तो जी हमारी ये जो पिज़्ज़ा फ्राइज़ है ना, चिकन पिज़्ज़ा फ्राइज़ ये आ गई है, मैं जैसा ना टेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो ना ये ज़रा जो ये फ्राइज़ है ना, ये इसकी लुक बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन मैंने कहा आपको फिर भी खाकर दिखाऊँ। ये देखिए ना चीज़ है ना इसकी, इसका चीज़ी फ्लेवर आ रहा है, चिकन भी इसका बड़ा मज़े का है। तो ये देखिए इसकी चीज़ भी आपको नज़र आ रही होगी, चीज़ भी काफ़ी है। तो दूसरा भी हमारा जो ऑर्डर ना वो आ गया, दूसरा ये ना चिपोटले फ्राइज, चिपोटले फ्राइज था इसका आई थिंक नाम। तो इसकी जो सॉस है ना, ये बड़ी खुशबू वाली है, तो इसको मैं टेस्ट करता हूँ। तो ये वाली जो जो इसका जो फ्लेवर था ना, ये बहुत ही मज़े का था, क्योंकि ये ज़रा ना टू मंथ स्पाइसी वाला फ्लेवर है। तो जो फ्लेवर स्पाइसी होता है, आपको पता है पाकिस्तानी आवाम को ना वो फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उसके बाद कोल्ड ड्रिंक की बारी आ जाती है, तो ड्यू आज मंगा ली है, क्योंकि आपके भाई को ना इसके साथ ड्यू ही अच्छी लगनी थी, क्योंकि जो कोक शोक थे ना इनके पास है नहीं थी, पेप्सी की वैरायटी थी और पेप्सी अच्छी नहीं लगती। और ये देखें जी हम लोग ये खा रहे हैं, और ये जो ना उजड़ी हालत हो गई है फ्राइज़ की, लेकिन ना ये इनकी सबसे अच्छी बात है कि जो चिकन और सॉसेज है ना वो एंड तक हैं। तो मैंने ये खा रहा हूँ, खाते खाते तो मैंने ना बड़ा मज़ा आ रहा था, लेकिन मैंने कहा आपको भी साथ साथ शेयर कराऊँ कि ना ये जो फ्राइज़ है ना, यहाँ मिस्टर फ्लेवर की फ्राइज़, इनके जो अफोर्डेबल प्राइस के साथ साथ इनका जो फ्लेवर है वो बहुत मज़े का है। तो ये जी हमारी फ्राइज़ ख़त्म हो गई, और ये हमारी बोतलें भी ख़त्म हो गई। तो अब हमने सोचा कि एक और फ्राइज़ ले लीजिए, वो हमने थोड़ी दूसरी वाली जो बगैर चिकन शिकन की होती है ना वो वाली ऑर्डर कर दिया। तो ये देखिए वो भी आ गई है, लोडेड फ्राइज़ का पेरी पेरी फ्राइज़ के नाम से दिए, इसके ना कह रहा था कि पेरी पेरी मसाला डलता है। तो ये भी मैं ना आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ।
तो जो इसका जो फ्लेवर है ना ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो वो पहले वाली थी ना वो ज़्यादा अच्छी थी, क्योंकि इसकी प्राइस और उसकी प्राइस में भी फ़र्क था और उसमें काफ़ी ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए थे, चिकन चीज़ चूज़। और ये देखिए जो मेरा कज़न साहब ने बैठा हुआ ना ये भी खा रहा है, और इसको नहीं पता कि इसकी वीडियो भी बन रही है, तो अब उसको पता चला और थोड़ा सा स्माइल भी कर रहा है। तो ये देखें खा रहे हैं अब हम, काफ़ी दिन के बंदे ना सारे दिन का जो स्ट्रेस होता ना वो बंदा निकलता बाहर, क्योंकि साथ थोड़ी सी गैदरिंग शैदरिंग होती है ना, इंजॉय हो जाता है। तो ये जी खा पी के ना हम फारिग हो गए हैं। तो जी मैंने कहा कोल्ड ड्रिंक जो है ना ये फिनिश कर लूँ, कोल्ड ड्रिंक फिनिश करने के बाद ना अब हम निकलते हैं यहाँ से वापसी के लिए, कि बिल शिल पे करना वो करके तो फिर वापस निकलते हैं। तो जी मैं ना अब घर आ गया हूँ, घर रखना मैं कह रहा हूँ अपना व्लॉग को एंड, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें।